सामने है आनंद शर्मा ने, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिख करके सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगातार अपमानित किया गया और आत्मसम्मान की कीमत पर मैं काम नहीं कर सकता, ये आनंद शर्मा ने साफ कर दिया। आनंद शर्मा कांग्रेस के स्थापित नेता हैं और आनंद शर्मा ने आज इस्तीफा भी अपना दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि आत्मसम्मान की कीमत पर काम नहीं किया जा सकता और अब आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है और सोनिया गांधी को लिखी इस चिट्ठी में ही आनंद शर्मा ने पूरी जानकारी दी कि आखिरकार क्यों आनंद शर्मा ने असहमति जताते हुए ये चिट्ठी लिखी है और क्यों वो हिमाचल इलेक्शन की स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये आपको हम चिट्ठी का अंश भी दिखा रहे हैं और चिट्ठी में आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि शुरुआत में लाइन क्या है। उन्होंने लिखा कि फ्रेंड्स, आई वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी फॉर हिमाचल प्रदेश इलेक्शन ऑन 26 अप्रैल बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी 26 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्षा के द्वारा मुझे हिमाचल के इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। आई हैड रिक्वेस्टेड बोथ जीएस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंचार्ज फॉर क्लियरिटी ऑन मैंडेट इंक्लूडिंग रोल इन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, यानी कि जो उम्मीदवार होंगे उनके चयन को लेकर के और रणनीति क्या होगी उसको लेकर के आप जरा स्पष्ट करें कि किसके पास कितने अधिकार होने चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि दिस वॉज रिक्वायर्ड ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमिटीज, की जरूरत थी क्योंकि कई सारी कमेटी थी और किस कमेटी के पास क्या अधिकार है ये हमें पता होना चाहिए। हमारी सहयोगी तानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। तानिया, बताइए था कि जो आनंद शर्मा ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को उसके क्या क्या अंश हैं? जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा धक्का था कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि आनंद शर्मा अभी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो कांग्रेस में बने रहेंगे, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है। पर ये बात भी उन्होंने सामने लेके आए हैं, जो हम आपके सामने मैसेज लेके आ रहे हैं। ये मैसेज जो है, ये आनंद शर्मा ने अपने कोर ग्रुप जो है हिमाचल का कांग्रेस का, वहां पर डाला कि किन कारणों की वजह से आज उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। जो 26 अप्रैल को इस साल एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे आनंद शर्मा, तो उनके लिहाज से ऐसा है कि जितनी भी मीटिंगें होती हैं उसमें आनंद शर्मा को कभी ना इनवाइट किया गया, ना कभी उनको निमंत्रण दिया गया, ना उनके बारे में सूचना थी, ना उनके बारे में जानकारी थी कि कब कहां कैसे मीटिंग हो रही है। अब इस पूरे मीटिंग के बारे में जहां पे ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, जहां भूपेश बघेल है, प्रताप सिंह बाजवा है, सचिन पायलट है, और इन सब के जो सबसे वरिष्ठ नेता है वो है राजीव शुक्ला, क्योंकि वो है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हिमाचल प्रदेश के। अब राजीव शुक्ला की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे गुट को एक साथ लेके चले, और कहीं ना कहीं आनंद शर्मा इस बात से खफा है कि राजीव शुक्ला ने वो नहीं किया, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो एक तरह से कांग्रेस हाई कमांड के नुमाइंदे हैं और उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि इलेक्शन होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। और आनंद शर्मा जो इतने वरिष्ठ नेता है, सांसद रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश से और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर रह चुके हैं राज्यसभा के, उनके कद का, उनके स्तर का उनको लगता है कमेटी में ये जगह नहीं दी गई। और उन्होंने साफ कहा है कि उनको लगा है कि उनको कई बार बेइज्जत किया गया है, जहां उनको बुलाया नहीं गया है, उनको मीटिंग की सूचना नहीं दी गई है, और कैंडिडेट की भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में कौन सी कमेटी के पास में अधिकार है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो कई ऐसे अहम मुद्दे उठाए गए हैं जिसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के आला कमान से। हालांकि अभी कोई भी सामने आके जवाब नहीं दे रहा है, बट ये सामने मुद्दा बड़ा बनता ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।